स्टूडेंट्स, आज हम कंजंक्शंस की चर्चा करेंगे। कंजंक्शंस की जानकारी आपको ऑलरेडी है और बहुत सारे स्रोतों से आपने इनके बारे में जानकारी ली भी होगी, लेकिन हम कंजंक्शंस की चर्चा बहुत व्यापक रूप से करना चाहते हैं। सर्टेन पॉइंट्स सीधा समझकर कि प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, इतना से कम हमारा नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स भी हमको बनाना है, सेंटेंसेस को समझना भी है और कंजंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, फिल ऑफ द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट आदि जगहों पे दिए जाते हैं। तो आपको व्यापक कॉन्सेप्ट कंजंक्शंस का, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स दिया जाता है इनको समझना है, कैसे कंजंक्शंस का क्या मीनिंग लिए होता है ये भी समझना है। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा वक्त हम लेंगे और आप लोग यदि बहुत बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करें तो कंजंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस रखकर वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इंग्लिश में एक्चुअली कोई शॉर्टकट ट्रिक्स होते नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग शॉर्टकट ट्रिक्स बता देते हैं कि क्लोज टेस्ट ऐसे ट्रिक से बन जाएगा, फिल ऑफ द ब्लैंक्स ऐसे ट्रिक से बन जाएगा, ठनकी का ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होगा। जब तक आपको फैक्ट्स पता नहीं है तब तक कोई ट्रिक्स आपका काम नहीं आने जा रहा है। जानकारी आपको रखनी है और उसके बाद में फिल ऑफ द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस मेकिंग हो, पैराग्राफ मेकिंग हो आदि के कुछ तरीके बताए जा सकते हैं कि देखो इस तरीके से करने से आपको सहूलियत होगी, आप प्रॉब्लम्स पर काम कर सकते हो। लेकिन सीधा सोचोगे कि कुछ जानकारी भीतर में हमने डेवलप किया नहीं और ट्रिक्स कोई बता देगा प्रॉब्लम्स बन जाएगा, वो ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने कहा कि कोई ट्रिक्स नाम की चीज होती नहीं है। तो हम कंजंक्शंस की शुरुआत कर रहे हैं और कंजंक्शंस ध्यान रखना है कि ये शब्द जब हम लेते हैं तो आमतौर पर इसका हिंदी अर्थ होता है संयोजक, संयोजित करने वाला। लेकिन कंजंक्शंस का डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन यदि हम कहें तो हम कहते हैं कि आ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। एक कंजंक्शन क्या है? एक ज्वाइन करने वाला शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है। लेकिन सवाल उठता है कि ये किन चीजों को जोड़ता है? इसको समझने के लिए एक दूसरा थोड़ा व्यापक डेफिनेशन हम लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन कंजंक्शन का है, तो ध्यान देना है। थोड़ा व्यापक रूप में हम इसको लेकर चले तो हम कहते हैं कि आ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स टू फ्रेजेज और टू सेंटेंसेज। अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंजंक्शन मात्र जोड़ने का काम करता है। ग्रामर में इसका मूल फंक्शन है जोड़ना। अब किन किन चीजों को जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो शब्द समूहों टू फ्रेजेस, दो शब्द समूहों को जोड़ सकता है और टू सेंटेंसेस दो वाक्यों को जोड़ सकता है। तो जैसे हम समझने की कोशिश करें, यदि हम कहते हैं राम एंड सीता, तो इस एग्जाम्पल में हम देखें तो राम एंड सीता, ये एक शब्द राम है एक शब्द सीता है, इन दोनों को जोड़ने का काम यहां एंड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एट एक कंजंक्शन है। इसी तरह से दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है फ्रेजेज। फ्रेजेज का मतलब हो गया शब्दों का समूह, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम लोग फ्रेजेज कहते हैं। तो जैसे राम के लिए हम इस्तेमाल करते अ बॉय एंड सीता के लिए हम इस्तेमाल करते अ गर्ल, तो यहां अबॉय या अगर ये दो फ्रेजेस कहलाएंगे और इनको जोड़ने का काम फिर यहां एंड कर रहा है। क्लियर है कि यह एंड कंजंक्शन है। उसी तरह से अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है कि टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम, दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी एक कंजंक्शन करता है, कर सकता है। लेकिन बहुत सारी सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता होती है जैसे जैसे कंजंक्शंस के प्रयोग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम कहें कि राम इज रिच बट सीता इज पुअर, अब इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें तो पहला है राम इज रिच, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, फुल स्टॉप हम दे दें तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। उसी तरह से बट को हटाकर सीता इज पुअर करके फुल स्टॉप दे देते हैं, कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। लेकिन दोनों को जब हम बट से जोड़ देते हैं तब ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहां राम इज रिच को एक क्लॉज कहते हैं। क्लॉज का मतलब हो गया उपवाक्य,
और एक क्लोज में एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब होता है और वह किसी वाक्य का हिस्सा होता है। तो एक सब्जेक्ट राम है, इसका वर्ब इज लगा हुआ है, उस तरह से सीता है, इसका वर्ब इज लगा हुआ है, इसका मतलब एक क्लॉज यह भी है। तो कुल मिलाकर जो स्वतंत्र सेंटेंसेस दो थे उनको हमने जोड़ दिया है, तो जोड़कर अब ये हिस्सा एक क्लॉज कहलाएगा, वो हिस्सा एक क्लॉज कहलाएगा, और ये जोड़ने का काम हमने किसके माध्यम से किया, बट के माध्यम से। इसका मतलब हुआ कि बट भी एक कंजंक्शन है। तो फिलहाल इस तरह से हम एक आध उदाहरण देकर समझने की कोशिश किए कि ये कैसे जोड़ने का काम करता है। सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड देयर यूसेस की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, जिनमें बहुत सारे कंजंक्शंस पर आधारित प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में आपको दिए जाते रहते हैं और क्लियर आइडिया नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बनता नहीं है और वाक्यों की अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम बहुत महत्वपूर्ण कंजंक्शंस की श्रेणियों को ले रहे हैं, जैसे हिंदा इस पर आधारित प्रॉब्लम्स खूब दिया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस पर आधारित प्रॉब्लम में क्या करता है, यहां अक्सर बट का प्रयोग करके आपको छोड़ देता है और आपसे उम्मीद करता है कि इसमें ऑल्सो भी ऐड होना चाहिए, बगैर ऑल्सो का यह कंप्लीट कंजंक्शन नहीं माना जाता है। उसी तरह से धड़कना है, यदि हम कहते हैं आइदर, तो आइदर या इधर दो तरह का उच्चारण इसका होता है, तो हम लोग पॉपुलर भी आइदर कहते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आवे, इसलिए मैं ऐसा कोई यहां उच्चारण नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप आइदर इसको कहते हैं, मैं भी आइदर कह रहा हूं, और आइदर अपने लिए ध्यान रखना है कि और लेता है, अर्थ क्या निकलता है, या अर्थात इसका प्रयोग हम कब करते हैं, या तो इस ढंग का अर्थ लेना होता है तो आइदर के साथ और का प्रयोग हम करते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम क्या देता है, कभी नॉट कर देता है, कभी एल्स कर देता है, अर्थात होना चाहिए जो कंजंक्शन और उसके बदले किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग करके हमको दे देता है और हम सुनिश्चित करता है कि सटीक कंजंक्शन यहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं। उसी तरह से एक तीसरा पेयर हम ले रहे हैं, नाइदर नॉर, तो इसको लोग नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको नाइदर ही कह रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आवे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो नाइदर नॉर इसका अर्थ होता है न न, अर्थात यह दो के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं दर्द होता है न तो यह न तो वह, और इसके लिए भी फिर ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम कभी और देता है, कभी एल्स देता है, तो यह प्रयोग हमारे गलत हो जाएंगे। तो स्थिति क्या है कि सबसे पहले हमको पेयर ध्यान में रखना है, नॉट वाले के साथ बट ऑल्सो होता है, आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है, ये पहले पेयर ध्यान में रखना है। लेकिन यह नहीं ध्यान रखिएगा कि इतना पेयर याद रखने के बावजूद आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो सकता है। वो क्यों गलत हो सकता है, चूंकि इनका प्रयोग कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी आप में से बहुत कम लोग रख पाते हैं या बहुत कम लोग दे भी पाते हैं। किसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और ये सब आदमी इंफॉर्मेशन के रूप में दे देते हैं या कहिए कि स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सोई इनको याद कर लो, हमने कहा कि इससे प्रॉब्लम आपका बनने वाला नहीं है। अब हमको इसका सेकंड पार्ट जानना पड़ेगा, एक तो पेयर हमने समझ लिया कि पेयर कैसे चलता है, दूसरा है कि सेकंड पार्ट हमने कहा कि इसका आपको समझना पड़ेगा और वो सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रयोग किस तरह के सिचुएशंस में किया जाता है, किस तरह के शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जोड़ने का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु या आइटम्स दो हैं तभी उनको जोड़ा जा सकता है, यदि कोई सिंगल आइटम है, कोई सिंगल वस्तु है, स्वाभाविक उसको जोड़ने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग हम कब करेंगे, तो ग्रामेटिकली ध्यान रखिएगा जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके हिसाब से इन पेयर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला सिचुएशन कि यदि दोनों के दोनों शब्द या शब्दसमूह किसी वाक्य के सब्जेक्ट्स हों, या दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हों, या दोनों के दोनों वर्ब्स हों, या दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हों, या दोनों के दोनों एडवर्ब्स हों, अर्थात एक ही तरह का काम करने वाले शब्द समूहों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे कैसे देता है और आपको क्या सब सावधानियां बरतनी है। जैसा कि हमने कहा कि केवल नियम रखने से भी आपका काम नहीं चलने जा रहा है, या मोटा मोटी जानकारी की 10 मिनट में कंजंक्शन हम बढ़ा देते हैं, 10 मिनट में वॉइस बढ़ा देते हैं, है ना, 5 मिनट में हम प्रीपोजिशन का मास्टर बना देंगे, ध्यान रखिएगा
ये सब के सब आपके लिए भ्रामक है। आपको भले ही बहुत आकर्षक लग रहा हो और खूब जम के आप लोग देखते हैं, है ना, लेकिन इसका कोई फायदा आपको मिलने वाला वास्तव में नहीं है। तो हमने कहा कि दो सब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स आदि को जोड़ने का काम। अब कुछ एग्जांपल से समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या खतरे लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग, बहुत सिंपल उदाहरण में ले रहे हैं, ध्यान रखना है, छोटे छोटे वाक्य हम ले रहे हैं, लंबा लंबा वाक्य मैं नहीं ले रहा हूं। फिलहाल हमको केवल ग्रामेटिकल आइटम्स समझा देने हैं। ग्रामेटिकल आइटम्स यदि आप बढ़िया से समझ लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि चाहे लंबा सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो, ग्रामेटिकल आइटम्स वही इस्तेमाल होंगे और उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। तो राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग। अब ध्यान रखिएगा कि यदि जानकारी आपकी सही है तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपको काम आने जा रहे हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या करते हैं कि दो सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाएगा कि डू एज डायरेक्टेड के श्रेणी में इनको आप जोड़िए। अब जोड़ने के लिए कहा जाएगा कि कंबाइन दीज टू सेंटेंसेज यूजिंग एंड, तो एंड से हम दोनों वाक्य को जोड़ सकते हैं। फिर उसी तरह से दे देगा यूजिंग एज विल एज, इनसे भी आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह से दे देगा कि यूजिंग बिसाइड्स, इससे भी हम जोड़ सकते हैं। यूजिंग बोथ एंड, इस पेयर से भी हम जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि हमको दे देता है कि नहीं, आपको जोड़ना है किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना हो या आइदर और का प्रयोग करना हो, नाइदर नॉर का प्रयोग करना हो, है ना, किसी का भी प्रयोग करना हो, आपको पता होना चाहिए कि एंड से जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, आदि आदि ये आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हम करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हमको कहना पड़ेगा कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता इज गोइंग। अब यहां ध्यान देना है कि राम जाने का काम कर रहा है, सीता जाने का काम कर रही है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नंबर वन है, ये सब्जेक्ट नंबर जो है वर्ब हमारा एक ऑक्सिलरी है और एक मेन वर्ब है, अर्थात ये हमारा वर्ब का हिस्सा है। तो वर्ब का हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का हमको प्रयोग करना हो तो दोनों सब्जेक्ट को हमको जोड़ना पड़ेगा, चूंकि इस वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि जैसे ये सेंटेंस मान लीजिए दे दिया, अब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर खोज रहे हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर ढूंढ लो, सही मिलेगा। लेकिन तब है कि से यदि आप समझ लेते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, वाक्य हमारा करेक्ट हो गया, तो फिर आप धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक संभावना क्या बनेगी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को रहने देगा, यहां वर्ब को प्लूरल कर देगा, इसके बदले आर कर देगा, तो आर इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट का नियम समझना पड़ेगा। ठीक है, बीच बीच में जहां तहां से फिलहाल मैं टॉपिक छोटा छोटा है लेके चल रहा हूं, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए हमको हर टॉपिक पर व्यापक रूप से काम करना पड़ेगा। जो बात हम बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे कि एक एक टॉपिक हमारा क्लियर होगा तब जाकर प्रॉब्लम आपका सही ढंग से बनेगा। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं जस्ट आप लोगों को समझने के लिए दे रहा हूं कि आपको कैसे काम करना चाहिए ताकि कोई भी टॉपिक पर आप बढ़िया से काम कर सके, कोई भी प्रॉब्लम पर आप बढ़िया से काम कर सके। तो स्थिति क्या हो रही है कि आर का यदि प्रयोग दे रहा है तो हमने कहा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार यहां वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो क्लियर है कि सब्जेक्ट यहां सीता है, इसलिए वर्ब इसके लिए इज इस्तेमाल हो रहा है, आर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट हमने लिया कि दो सब्जेक्ट को जोड़ना। इसी तरह से अब हम दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, मतलब राम एंड सीता को हम प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते, यदि कहते कि आई लाइक Not only राम but सीता। अब समझिए, तो इसमें क्या हो गया कि यह हिस्सा हमारा सब्जेक्ट का है, यह हिस्सा वर्ब का है और यह हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट का है। अब यह हिस्सा ऑब्जेक्ट का है तो ध्यान दें तो एक ऑब्जेक्ट का काम यहां राम कर रहा है O1 का, तो एक ऑब्जेक्ट का काम यहां सीता कर रही है O2 का। अब इस वाक्य में ग्रामेटिकल प्रॉब्लम फिलहाल हमारा क्या हो गया कि पेयर हमारा गलत हो गया। यहां हमसे उम्मीद कर रहा है कि केवल बट नहीं होगा, बट के साथ यहां ऑल्सो भी होगा, तो एक सिचुएशन ये हमको दिखाई पड़ा कि बट ऑल्सो हमको जोड़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि
बट ऑल्सो के रहने के बावजूद आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, और उसकी वजह क्या है कि नॉट ओनली का पोजीशन या बट ऑल्सो का पोजीशन आपको डिफरेंट जगहों पे ले जाकर रख देगा जहां उसका पोजीशन अनुपयुक्त है। जैसे हम समझने की कोशिश करें, अब इसी वाक्य को आपको बना के दे देगा कि नॉट ओनली आई लाइक राम बट ऑल्सो सीता। अब आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर देखेंगे नॉट ओनली, इधर देखेंगे बट ऑल्सो, समझने की सेंटेंस हमारा सही हो गया, जबकि आपका सेंटेंस सही नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए क्या होगी कि ऑब्जेक्ट नंबर वन हमारा राम है, ऑब्जेक्ट नंबर टू हमारा सीता है, सब्जेक्ट हमारा आई है और लाइक हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट अकेला है, लाइक वर्ब भी अकेला है। अब क्लियर है कि नॉट ओनली का प्रयोग हमने सब्जेक्ट पहले कर दिया, तो सब्जेक्ट तो अकेला है, इसको ऑब्जेक्ट से कैसे जोड़ेंगे। तो आपसे यहां ध्यान रखेगा, उम्मीद करेगा कि नॉट ओनली का पोजीशन गलत है, आप इसको शिफ्ट कीजिए कहां, राम के पहले, क्योंकि हमको जोड़ना है राम और सीता को। तो आपको ऑब्जेक्ट यहां करना है, यहां ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, हम ये ऑब्जेक्ट करें कि नॉट ओनली का पोजीशन गलत है, इसको हमको सही पोजीशन पर ले जाके रख देना है। ठीक है, तो एक टाइप प्रॉब्लम का आपको ये देता है कि माने कि ऑब्जेक्ट के पहले बट ऑल्सो है, तो सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली रख दिया, तो केवल रखने से कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है ना, और वो पेयर हमने मिला लिया, समझ गए कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, या प्रॉब्लम हमने बना लिया या आपकी भूल है। उसी तरह देखिएगा, इसी को थोड़ा और ट्विस्ट कर देगा, यही दे देगा कि आई नॉट ओनली लाइक राम बट ऑल्सो सीता। अब यहां आपकी समस्या क्या होती है कि आप आई नॉट ओनली फिर इधर आप देखते हैं बट ऑल्सो इधर देखते हैं, फिर हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल हो गया, अर्थात ये ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू, आपने नॉट ओनली को रख कहां दिया, वर्ब के पहले। क्लियर, ये पोजीशन फिर हमारा गलत है, और इसी हिस्से को आपको ऑब्जेक्ट करना है, एरर के रूप में देता है कि डिटेक्ट द एरर, तो इस पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। और उसी तरह ध्यान रखना है कि फिर यदि इंप्रूवमेंट भी ले देता है तो हमको बताना पड़ेगा कि नॉट ओनली का पोजीशन हमको ले जाना है कहां, राम के पहले। तो इस तरह से दो सब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम ये कर रहा है, और अर्थ निकलेगा कि मैं केवल राम को ही नहीं बल्कि सीता को भी पसंद करता हूं, अर्थात मैं राम को पसंद करता हूं, मैं सीता को भी पसंद करता हूं, है ना। ये दो अलग अलग वाक्य यदि हो तो इनको हमने इस रूप में ढाल दिया कि आई लाइक नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता, मैं केवल राम को ही नहीं बल्कि सीता को भी पसंद करता हूं, ये इसका अर्थ करता है। उसी तरह हमने दिया कि दो वर्ब्स को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है। चलिए एक आध एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि राम नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेज। अब इस वाक्य में फिर हम समझने की कोशिश करें तो राम हमारा सब्जेक्ट है, दो वर्ब्स हैं सिंग्स और एक यहां है डांसेज। अब ये दो वर्ब्स हैं तो ध्यान दें, तो दोनों वर्ब्स को जोड़ने का हमने काम किया है, तो पहला वर्ब के पहले नॉट ओनली है अर्थात ये इसके लिए है, दूसरा वर्ब के पहले बट ऑल्सो है अर्थात ये इसके लिए है, और दोनों वर्ब्स को हमने जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। स्वतंत्र सेंटेंस क्या होता कि राम सिंग्स फुल स्टॉप, राम डांसेस फुल स्टॉप, ये दो स्वतंत्र सेंटेंसेज होते हैं, लेकिन इन दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। अब देखते हैं इसमें फिर प्रॉब्लम क्या करेगा, नॉट ओनली को उठाकर राम के पहले रख देगा और आपको सेंटेंस दिखाई पड़ेगा किस रूप में कि नॉट ओनली राम सिंग्स बट ऑल्सो डांसेज, और फिर आप वही भूल कर बैठते हैं, इधर नॉट ओनली देखते हैं इधर बट ऑल्सो देखते हैं, और आप समझ लेते हैं कि सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां दो परिस्थितियां बनती हैं, एक तो आपने अनुमान पर इसको करेक्ट बना लिया, लेकिन इसका नुकसान क्या हो गया कि एक तो सेंटेंस आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, दूसरी बात कि यदि आप सही पोजीशन नहीं समझते हैं तो वाक्य का अर्थ आपको कभी नहीं निकलेगा, है ना। नॉट ओनली का पोजीशन सिंग्स के पहले होना चाहिए, बट ऑल्सो का पोजीशन डांसेस के पहले होना चाहिए, और इस तरह से जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो अर्थ क्या निकलता है, इसको सोचकर काम करेंगे, सेंटेंस भी समझ में आएगा, प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। केवल यह कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लेता है, नाइदर नॉट लेता है, है ना। या मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 10-20 एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं, आप बता देते हैं कि देखो नाइदर है, यहां नॉट लगना चाहिए और लगा हुआ है,
इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होने वाला है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ये बेस क्या है, उसके बाद में लाखों सेंटेंसेस आपके सामने दे दिए जाएंगे, आप खुद काम कर लेंगे। कहीं जरूरत नहीं है कि मैं आपको 10 सेंटेंसेस का प्रॉब्लम बनवाऊं, नो नीड। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना, बेसिक फंडामेंटल एकदम स्पष्ट देखिए कि कैसे का क्या चलना चाहिए, कैसे प्रयोग चलना चाहिए, उसके आधार पर काम कीजिए आप। तो 5 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करा देना, 10 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करा देना बिना व्यापक कॉन्सेप्ट दिए हुए, ये सब ध्यान रखिएगा बहुत लाभकारी आपके लिए नहीं है। हाँ, भले ही जो लोग काम कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं उनके लिए जो भी नाम हो, आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो इसी तरह से नाइदर नॉर आइदर और को भी हम लेते, सेम सिचुएशन बनते चला जाता। जैसे हम कहते कि नाइदर राम नॉर सीता इज गिल्टी, अब इसका स्वरूप हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि राम सब्जेक्ट नंबर 1, सीता सब्जेक्ट नंबर 2, और फिर यहां ये वर्ब है और यह एक एडजेक्टिव है। तो वर्ब भी अकेला है, एडजेक्टिव भी अकेला है, क्लियर है कि नॉट ओनली को नाइदर को राम के पहले रखना पड़ेगा, नॉर को सीता के पहले रखना पड़ेगा, और अर्थ क्या निकलेगा, न तो राम, हिंदी हम लोग इस टाइम से लेते हैं, न तो राम न ही सीता दोषी है, अर्थात न तो राम दोषी है न सीता दोषी है, इस ढंग का हम लोग सारे वाक्यों का लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पेयर के अलावा कहीं कहीं से इनका पोजीशन कहां किस रूप में चलना चाहिए और ये अर्थ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। कुछ और बारीक चीजें नॉट ओनली बट ऑल्सो के संदर्भ में हम आपको बता देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने कहा कि नॉट ओनली का प्रयोग दो सब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स आदि को जोड़ने के लिए होता है, तो एक पॉइंट और थोड़ा अलग से मैं चर्चा कर दूं इस पर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम देना होता है तब इसको टच करता है, बाकी वो सब चीजें अपना देते रहता है, ठीक है। अब जैसे पहले समझिए, यदि हम कहते हैं कि ही बिल्ट नॉट ओनली अ होटल बट ऑल्सो अ हॉस्पिटल, अब इस स्थिति में क्या दिखाई पड़ रही है कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अ होटल ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, अर्थात उसने बनाया क्या क्या बनाया, केवल एक होटल ही नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल भी, अर्थात उसने केवल एक होटल ही नहीं बनाया बल्कि एक हॉस्पिटल भी बनाया। अब ध्यान दें, ऐसी स्थिति में हमको क्या दिखाई पड़ रही है कि नॉट ओनली का पोजीशन ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पहले है और बट ऑल्सो का पोजीशन हॉस्पिटल के पहले है, ये बात बिल्कुल सही है। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब रख के हमें इसको कॉमन रखकर दो ऑब्जेक्ट्स को हमने जोड़ दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट को रिपीट किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब भी रिपीट होता है, ठीक है, या कोई और सिचुएशन बने तो कोई दूसरा वर्ब भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आपको जो परीक्षा में प्रॉब्लम दिए जाते हैं उनमें सब्जेक्ट वर्ब को रिपीट कर देता है, उसको हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा कैसी परिस्थिति में वाक्य यहां शुरू कर देता है नॉट ओनली से, अब जैसे दे देगा कि नॉट ओनली ही बिल्ट अ होटल बट ही ऑल्सो बिल्ट अ हॉस्पिटल। अब यहां दो बातें ध्यान रखनी है, इस सिचुएशन में यदि हम नोटिस करें तो कुछ तब्दीलियां आपको बट और ऑल्सो में दिखाई पड़ रही होंगी। ये तब्दीलियां क्या है कि ये सब्जेक्ट ही वर्ब बिल्ट, सेम चीज क्या क्या है, यहां ही और इस बिल्ट को फिर दोहरा दिया है। ऐसी स्थिति में ही बिल्ट को कॉमन न रख के रिपीटिशन है। अब यहां हम ध्यान दें तो सबसे पहली सावधानी क्या बरतनी है कि हम नोटिस करें तो बट ऑल्सो इकट्ठा नहीं है, बल्कि बट के बाद हम यहां नोटिस करें तो सब्जेक्ट दिया हुआ है और तब ऑल्सो का प्रयोग है। एक सावधानी यहां भी बरतनी है, यही वर्ड ऑर्डर यहां चलता है, यहां बट ऑल्सो ही हम नहीं कहते, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति में यदि नॉट ओनली का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में है तो प्रॉब्लम कहां से खड़ा हो जाता है कि नॉट ओनली पूरी तरह से सब्जेक्ट के पहले रह जाता है, जबकि इधर नोटिस करें तो बट सब्जेक्ट के साथ है और ऑल्सो वर्ब के साथ चला जाता है। तो ये बनावट पूरी तरह से चरमरा गई हमारी और आप लोगों को फिर यहां प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, इधर नॉट ओनली उधर बट ऑल्सो देखते हैं, सेंटेंस समझ में आवे ना आवे आप लोग समझ लेते हैं कि चलो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है।
जब सब्जेक्ट वर्ब रिपीट हो रहा हो और वाक्य नॉट ओनली से शुरू हो रहा हो तो सावधानी बरतनी है कि हमको ही बिल्ट इस हिस्से में लागू करना पड़ेगा इन्वर्सन, और इन्वर्सन का दो क्लासेज मैं थियरी के लिए ले चुका हूं लेक्चर वन और लेक्चर टू में, इन्वर्सन पूरा मैं समझाया हूं। और इन्वर्सन का एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू में कुछ पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने बताया है। आप लोग सीरियसली इन चीजों पर यदि काम करें, देखें तरीके से, आप समझें, तब आपको लगेगा कि वास्तव में प्रॉब्लम सुधारने की क्षमता कैसे डेवलप होती है, की जा सकती है। तो इसमें हमको इन्वर्सन लागू करना पड़ेगा, और इन्वर्सन का मतलब हो गया कि ही विल सिंपल पास्ट का वाक्य है, हमसे यहां उम्मीद करता है कि आप प्रयोग करें डिड ही बिल्ड, और इस तरह से यह सेंटेंस बन जाएगा कि न उसने केवल एक होटल बनाया बल्कि उसने एक हॉस्पिटल भी बनाया। ये हिंदी मीनिंग हम लोग इसकी लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये ध्यान रखिएगा, जहां नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रॉब्लम इन्वर्सन के लिए दिया जाता है। तीसरा से ये तीन पेयर्स हमने समझने की कोशिश की, इनके प्रयोग को समझने की कोशिश किया, और प्रॉब्लम्स कैसे दिए जाते हैं, कहां कहां आपको घुमाता है, उनको हमने समझने की कोशिश की। चलिए अब हम कुछ और आगे के कंजंक्शन को ले रहे हैं। एक कंजंक्शन हम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग खास करके इंडियन अंग्रेजी में धरले से एज वेल एज का प्रयोग कर लेते हैं और एज वेल एज को एंड समझ लेते हैं, तो एंड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा पहली बात कि एज विल एज ये बराबर नहीं है एंड के। एज वेल एज का निहित अर्थ जो होता है वो ध्यान रखिएगा क्या होता है, एज वेल एज का निहित अर्थ होता है बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अर्थात के अलावे, के अतिरिक्त, के सिवा, ये सब अर्थ इसका होता है। तो यहां ध्यान देना है कि बोथ का मतलब होता है दो, और दो जब है तो एंड से जोड़ेंगे तब दो बनेगा, और यदि हम एज वेल एज कर दिया या बिसाइड्स कर दिया, इन एडिशन टू कर दिया, तो एक को हमने हटा दिया, एक को हटा दिया, तो फिर बोध का प्रयोग की संभावना ही खत्म हो जाती है। जैसे हम समझने की कोशिश करें, ये सब बहुत छोटे छोटे सेंटेंस मैं दे रहा हूं, एक भी लंबा सेंटेंस नहीं, मैं चाह रहा हूं कि ग्रेविट कलाई कर आप बढ़िया से समझें, और सेंटेंसेस तो छोटे बड़े, जैसे जैसे आपकी स्थिति बदलती चलेगी, इंप्रूव करती चलेगी, आप खुद काम करना शुरू करेंगे। छोटे बड़े सेंटेंसेस लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती, यदि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाता है, कोशिश करते हैं, खुद आप लिखेंगे, चूंकि नियमों की संख्या सीमित है, वाक्य असीमित है। जैसे आप नियमों को बढ़िया से मास्टर कर लीजिए, आप अनंत वाक्य लिख सकते हैं, छोटे बड़े सब आप लिख सकते हैं। तो बोथ और एंड का एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, और ध्यान रखिएगा इसकी वही स्थिति होगी जो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और आदि के लिए रखा, अर्थात ये भी दो समान प्रकार के कार्य करने वाले शब्दों या शब्द समूहों को जोड़ने का काम करेंगे। अब ध्यान देना है, जैसे हम कहें कि बोथ राम एंड सीता विल हेल यू, अब इस सेंटेंस में स्थिति क्या बन रही है कि राम यहां सब्जेक्ट नंबर वन है, सीता सब्जेक्ट नंबर टू है, और विल एक ऑक्सिलियरी है, हेल्प ये फुल मिलाकर इसको वर्ब मान ले तो ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका निहित अर्थ क्या निकलेगा कि राम और सीता दोनों, यहां एंड का प्रयोग हमको करना है। एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा यहां क्या कर देगा, एज विल एज अपने इंडियन अंग्रेजी में या कहें कि बोलचाल में 100% एक्सेप्टेबल है एज विल एज, चूंकि लोग धल्ले से इस्तेमाल करते हैं, आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहां एंड खोजना है। उसी तरह से जैसे दो सब्जेक्ट्स को हमने जोड़ा, दो ऑब्जेक्ट्स को भी हम जोड़ सकते थे, दो एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स आदि को भी हम जोड़ सकते थे। जैसे चलिए एक उदाहरण और हमने, यदि हम कहते हैं कि आई लाइक बोथ राम एंड सीता, अब इसका अर्थ क्या निकल जाएगा कि मैं राम और सीता दोनों को पसंद करता हूं, अर्थात यह हिस्सा हमारा क्या चला गया, ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन गया। अब राम यहां ऑब्जेक्ट नंबर वन है तो सीता हमारा ऑब्जेक्ट नंबर टू है। एक पॉइंट यह ध्यान रखिएगा, बोथ के साथ एज वेल एज का प्रयोग भी परीक्षाओं में देता है, पूछता है। उसी तरह से एक पॉइंट और हम ले रहे हैं, वो पॉइंट ले रहे हैं बिटवीन का, ध्यान रखिएगा इस पर भी अच्छा खासा प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में दिया जाता रहता है। और बिटवीन के साथ ध्यान रखना है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग होता है, लेकिन अक्सर खास करके
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वगैरह के रूप में बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं, तो इंडियन अंग्रेजी में हम लोग इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं और एग्जामिनेशन में आपको ये प्रॉब्लम देता है और आपसे उम्मीद करेगा कि टू आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, ये ध्यान रखना है। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि अपने यहां इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं बिटवीन 10 AM टू 4 PM, बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, ध्यान रखना है। इसी तरह से कोई फिगर अंक का प्रयोग करना हो बिटवीन 3000 टू 4000 और ये सब चीजें बिटवीन पर आधारित कंजंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, तो हमने कहा कि इंडियन इंग्लिश में ये सारे के सारे पूरी तरह से स्वीकार है क्योंकि मैक्सिमम लोग ये प्रयोग करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करेगा कि बिटवीन साथ कंजंक्शन एंड होता है, आपको पता होना चाहिए, अर्थात आपसे उम्मीद करेगा यहां एंड का प्रयोग कीजिए, एंड जोड़िए, तब जाकर यह प्रयोग आपका ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए कुछ और पॉइंट्स को हम ले रहे हैं। एच के साथ एज का प्रयोग, इधर करना है। एज एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में तुलना के लिए करते हैं और इस तुलना में निहित अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ इतना, इसका अर्थ जितना, या इसकी हिंदी हम लोग ये भी लेते हैं उतना जितना। एज एज की खासियत क्या है, ध्यान रखना है कि यह पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है और यह निगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम कहें कि राम इज एज गुड एज श्याम, राम उतना ही अच्छा है, हिंदी हम लोग ऐसे लेते हैं, राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्लियर। अब हम यदि निगेटिव बनाना चाहते तो कह सकते थे कि राम इज नॉट एज वाइज एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना श्याम, अब यह निगेटिव सेंटेंस है। तो एज एज हमने कहा कि अफर्मेटिव भी हो सकता है और एज एज निगेटिव भी हो सकता है, एक तो यह पॉइंट पर क्लियर रहिए कि एज एज अफर्मेटिव निगेटिव दोनों सेंटेंसेस में हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या है, ध्यान रखना है कि एज का प्रयोग एज के साथ हुआ तुलना के लिए, तो एज का एक प्रयोग कंजंक्शन सो के साथ होता है और यहां इसकी हिंदी आम तौर पर हम लोग ले लेते हैं जैसा वैसा, जैसी वैसी, जैसे वैसे, ये सब आवश्यकता अनुसार हिंदी हम लोग लेते हैं। तो एक अर्थ जब जैसा वैसा होता है तो एज के साथ कंजंक्शन यहां सो हो जाता है, ठीक है। तो एज के बदले सो और सो के बदले एज यहां भी आपको प्रॉब्लम में दिया जाता रहता है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि एज यू सो, जैसा तुम बोते हो सो यू रीप, वैसा तुम काटते हो, और आमतौर पर इसकी हिंदी हम लोग लोकोक्ति कहावत के रूप में लेते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ये इसकी हिंदी होती है एज यू सो सो यू रीप। तो इस तरह से एज एज का प्रयोग होता है तो एज सो का भी प्रयोग होता है। अब हम एक उल्टा प्रयोग पर चल रहे हैं जिसमें हो जाता है सो और यहां हो जाता है एज, ये ध्यान रखना है, ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, इसका भी प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में हम लोग करते हैं। तो इसमें सो ध्यान रखना है कि ये सो एडवर्ब है या एज यहां एडवर्ब है और ये एज जो है ये एक्चुअली आपका कंजंक्शन है। तो ये किसी एडजेक्टिव एडवर्ब आदि विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आगे के हिस्सा को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको कंजंक्शन कहा जाता है। सो एज की खासियत क्या है, ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं बल्कि इसका प्रयोग हम लोग केवल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यह ध्यान रखना है। अब निगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सो एज दे दिया जाए तो हम लोग इस सो को ऑब्जेक्ट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, है ना। तो चलिए अगला सेंटेंस हम लेकर चल रहे हैं, जो सेंटेंस हमने तू ऊपर दिया उसी को यदि हम रिपीट करें, यह कहते हुए
कि राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम, राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना श्याम। अब हम सोचने की कोशिश करें तो सो का प्रयोग यहां है, एज का प्रयोग यहां है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो इस वाक्य में हम चाहते तो एज का प्रयोग भी कर सकते थे, चूंकि एज को भी नेगेटिव में जाने का पावर है। इसका मतलब कि सबसे पहली बात तो यह हो गई कि सो का पावर सीमित है, केवल नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, लेकिन एज का पावर इससे ज्यादा है। यह अफर्मेटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। अब देखिएगा कि सो के साथ है तभी सेंटेंस हमारा करेक्ट है, एज के साथ है तभी सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन बोलिए कि देता है कि नहीं, आपको चॉइस ने लेना है। अब यहां विकल्प मान लीजिए कि ए में दे देता है सो और बी में दे देता है एज, कहता है कि दोनों में से एक चुनना है, तब ध्यान रखिएगा कि पहला राइट बनेगा सो का, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्पेशलिस्ट है ना। ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका पोजीशन डिफाइंड केवल नेगेटिव में ही हो सकता है, इसलिए हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो वर्ड्स कैसे छांटा जाता है, एलिमिनेट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, ये सब चीजें आपको तभी विकसित हो पाएंगी जब पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप्ड होगा, है ना। और जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नियम रखने से वर्ड रखने से आपका प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है, है ना। वर्ड का स्टॉक ठीक रखिए, ग्रामर के नियमों पर अच्छी पकड़ बनाइए, सेंटेंसेस आपको समझ में आएंगे, हर तरह का प्रॉब्लम बनेगा, कोई ट्रिक कहीं इसमें काम नहीं आता है। केवल तरीका हम बाद में बता दे सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो तरीका हम बताएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन रहेगा, उस इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी तरीका, लेकिन इंफॉर्मेशन है नहीं ट्रिक्स हम सॉल्व करा दें ये बिल्कुल इंपॉसिबल है। ध्यान रखिएगा ये सारे कहीं ना कहीं से भ्रमक चीजें बाजार में घूम रही हैं। आगे कुछ और पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सो के साथ एक प्रयोग दैट का भी होता है, यहां भी कंजंक्शन दैट है, सो फिर एडवर्ब है, ध्यान रखना है। तो सो यहां एडवर्ब है और दैट क्या है, ये एक कंजंक्शन है। अब ये दोनों चीजें क्या है, ध्यान रखिएगा, एक सो एज और एक सो दैट। तो सो एज हमने कहा कि तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, सो दैट क्या करता है, सबसे पहली बात कि इसकी हिंदी इतना और इस दैट की हिंदी यहां बनती है कि, इतना की। तो यहां भी प्रॉब्लम आपको परीक्षाओं में देगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सो के साथ एज होता है, सो के साथ दैट भी होता है, तो जहां एज होना चाहिए दैट कर देगा, दैट होना चाहिए एज कर देगा। और सीधे जो लोग ध्यान में रखते हैं कि सो के साथ एज भी होता है, सो के साथ दैट भी होता है, स्वाभाविक ऐसे लोगों के लिए यहां खतरा है। जब तक आप वाक्य नहीं समझिएगा कि बनावट क्या लेकर चला है, मैंने क्या निकलना चाह रहा है, तब तक यहां भी आपको एज होगा कि दैट होगा, यहां भी निर्णय करने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो सो दैट का प्रयोग हम कब करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हमको कारण और परिणाम बताना हो, अर्थात सो वाला हिस्सा में कॉज होता है और दैट वाला हिस्सा में इसका इफेक्ट होता है या हम कहें कि रिजल्ट होता है। तो यह स्थिति यहां बनती है, ठीक है। और इसकी हिंदी जैसा कि मैंने बताया इतना की। अब चलिए बहुत छोटे छोटे उदाहरण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ताकि तथ्य केवल आप समझ सके। जैसे कहें ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, ये मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में भी आप लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन ठोस वजह क्या है या क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भले ही बड़ा बता दिया गया कि सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, है ना, लेकिन मान लीजिए कि अब इस सो के बदले यहां एज कर दे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, क्योंकि एज क्यों नहीं होगा यह आपको जानना पड़ेगा, है ना। और ये मान लीजिए जानकारी है नहीं तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सो के साथ दैट तो होता है एज होता है, आपको पता नहीं है, तो यहां खंडित करना पड़ेगा कि सो के साथ यहां एज की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि सो एज तुलना के लिए इस्तेमाल होता है, यहां कारण परिणाम है। कारण क्या है, सो भी वह इतना कमजोर है दैट ही कैनॉट वॉक कि वह चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता, अर्थात वीक होना उसका क्या है, कारण है। और इस हिस्से में हम समझने की कोशिश करें तो क्या है, इसका इफेक्ट है या हम कहें कि रिजल्ट है, परिणाम। तो इस तरह से ही सो भी दैट ही कैनॉट वॉक, है ना। तो यहां सो के साथ दैट का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ और चीजों की चर्चा हम करें। देखिएगा कि सच इसके साथ कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। जब दैट का प्रयोग होता है तो सच वाला हिस्सा में फिर ध्यान रखिएगा कॉज होता है और दैट वाला हिस्सा में इफेक्ट होता है,
इसका परिणाम होता है। और इसकी हिंदी आमतौर पर क्या हम लोग क्या लेते हैं, ऐसा, ऐसी, ऐसे, है ना। और इस दैट की हिंदी हम लोग लेते हैं कि। अब यहां आपके लिए खतरा एक और रहता है, चूंकि यहां एज का होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो जब एज का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसकी हिंदी जो, जिसने, जिन्होंने या जिसे, जिसको, जिनको, इस ढंग की हिंदी बनती है। वजह कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों काम कर लेता है। तो जब सब्जेक्ट का काम कर लेता है तो जो, जिसने, जिन्होंने का अर्थ लिया होता है, जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो जिससे, जिसको, जिनको का अर्थ लिया होता है। तो सच के साथ एक प्रयोग दैट का भी है। अब सच के साथ दैट का प्रयोग है तो एक आप एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं फिलहाल। जैसे हम कहें कि सच इज हिज बिहेवियर, ऐसा उसका व्यवहार है। सच इज बिहेवियर, ऐसा उसका व्यवहार है दैट की एवरीबॉडी लाइक्स हिम, कि हर आदमी उसे पसंद करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से उसका व्यवहार अच्छा है, और इस अच्छा व्यवहार के कारण क्या होता है कि हर आदमी उसे पसंद करता है। ये इसका क्या है, रिजल्ट है या इफेक्ट है। अब यहां ध्यान देना है, इस दैट के बदले यहां प्रॉब्लम आपको दे देगा सच इज हिज बिहेवियर एज, ये गलत हो रहा है। चूंकि एज यहां जो, जिसने का अर्थ होता तब होता, यहां अर्थ लिए हुए है ऐसा कि, और यहां हम ध्यान दें तो कारण और परिणाम है। तो कारण परिणाम के लिए सच और दैट होता है, सच इज नहीं होता है। एक पॉइंट हम समझ रहे हैं, यह भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए कुछ और बातों को हम लेकर चलें। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स अक्सर दिया करता है, और यहां लगा देता है बट, या यहां दो, यहां बट। हिंदी आमतौर पर हम लोग इसकी क्या लेते हैं, इसकी हिंदी हम लोग लेते हैं यद्यपि, और इसकी हिंदी हम लोग समझ लेते हैं किंतु। ध्यान रखिएगा, यद्यपि किंतु, ये हम लोग इंडियनाइज्ड प्रयोग में हवेली से करते हैं, और यही चीज आपके यहां इस्तेमाल होता है। खैर उससे हमको वास्ता नहीं है, हमको वास्ता है कि एग्जामिनेशन के लिए हमको इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऑदो या दो, दोनों से वाक्य शुरू हो सकता है, और यहां बट का प्रयोग, यहां बट का प्रयोग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, होना क्या चाहिए। तो बहुत सिंपल सा पहले हम उपाय बता दें कि आपसे उम्मीद करता है कि बट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब एक उदाहरण हम ले तो कुछ और तरीके हम बताएंगे आपको, और दो में डिफरेंस क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। चूंकि मान लीजिए कि जहां और दो, इन्हीं दोनों में विकल्प दे दिया, या इन्हीं दोनों का प्रयोग ऐसी जगहों पर कर दिया जहां नहीं होना चाहिए, तो वहां यहां को समझना पड़ेगा। जरूर है कि जैसे ये सेंटेंस हम लेते हैं कि although he worked hard, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम की, but he failed, तो ये सब अंग्रेजी हमारे यहां चलती है, कहीं कोई रोक नहीं है, कोई आपत्ति नहीं करने वाला है ना, बिल्कुल चलती है ना। 99% आदमी इस्तेमाल कर लेता है, आप इस्तेमाल कर लीजिए, जनरल बोलने लिखने पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा करेक्ट हम इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ी जानकारी हो और करेक्ट इस्तेमाल करें तो क्या हर्ज है। तो एग्जामिनेशन में तो एकदम ही आपसे उम्मीद करेगा कि ये गलत है, आपको समझ में आता है कि नहीं। और सुधार के लिए हमने बताया कि हाँ, हमको फर्स्ट च्वाइस चाहता है कि बट नहीं रखिए, ये रखिए। लेकिन देखिएगा, यहां रिटन इंग्लिश में अक्सर हम लोग का केवल एक कॉमा दे देते हैं और येट को भी ड्रॉप कर देते हैं, और सीधे कहते हैं कि ऑल्दो ही वर्क हार्ड, यहां कह देते हैं सीधे कि फेल्ड। तो एक प्रयोग ये भी चलता है, और एक प्रयोग ये भी चलता है कि यहां हम कॉमा भी रखें और यहां येट को भी रखें। तो कुल मिलाकर तीन विकल्प हमको यहां दिखाई पड़ रहा है सुधार के लिए, येट हो सकता है, कॉमा ही फेल्ड ये भी हो सकता है, और कॉमा येट ये भी हो सकता है। तो तीन सिचुएशन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अधना है कि जगह पे ऑल्दो के बदले हम चाहते तो इस्तेमाल इसका भी कर सकते थे, दो का भी, और ये भी सेंटेंस हमारा दो के साथ करेक्ट माना जाएगा। तो कुल मिलाकर यद्यपि और इस जगह पे जो येट है
इसकी हिंदी तथापि ध्यान देना है, तथापि होती है। तो यदि इसके साथ ये तीन सिचुएशंस लें तो ऑल्दो और यद पर आधारित तीन तरह के वाक्य हमको मिलते हैं। डॉग से लें तो फिर ये तीन यदि हम ले लें तो तीन वाक्य हमको यहां भी निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि यद्यपि तथापि का अर्थ लेने के लिए छह तरह के वाक्य हमको दिखाई पड़ते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये छह तरह के वाक्य ग्रामेटिकल बिल्कुल एक्सेप्टेबल होंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए वैरायटीज भी हमको समझना है, केवल ऑल्दो होता है यट होता है, ऑल्दो होता है यट होता है, दो होता है यट होता है, ये बिल्कुल सीमित जानकारी है और थोड़ा सा भी वही वेरिएशन करता है तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं बनता है, सेंटेंस आप लोग नहीं समझ पाते हैं। अब चलिए कुछ और बात समझा दें। मान लीजिए यहां अब हमको यट दे करके दे दिया है ना, ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, या यट ही फेल्ड, कोई विकल्प इस ढंग का आपको यहां दे दिया। अब मान लीजिए कि इसी को हमको खाली स्थान का प्रॉब्लम बना देता है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ट्रिक नहीं, ओनली इंफॉर्मेशन, नो ट्रिक। अब इसको खाली स्थान का प्रॉब्लम बना देता है। अब मान लीजिए कि इसी में पहला विकल्प आपको दे देता है दो, दूसरा विकल्प दे देता है ऑल दो, अमली की तीसरा विकल्प एस दे दे, फिन दे दे आदि। तो एस फिर तो इस रूप में हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर देंगे कि यहां यट लगा हुआ है, यट के साथ उनका प्रयोग नहीं होता है, पहली बात। लेकिन ये दोनों तो प्रॉब्लम हमको हो गया कि हम इसको रखें किसको रखें, हमने कहा कि दोनों का प्रयोग यहां ग्रामेटिकल बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन चॉइस मांग रहा है, तब ध्यान रखिएगा जैसे ही चॉइस मांग दे वाक्य के प्रारंभ में हमेशा हम लोग ऑल दो को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑल दो हमारा साहित्यिक प्रयोग है, लिटरेरी यूज है, दो आमतौर पर हमारा बोलचाल का प्रयोग है जिसको कॉलोक्वियल यूज हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग फॉर्मल यूज भी कहते हैं और इसको हम लोग इनफॉर्मल यूज भी कहते हैं, ध्यान रखना है। यहां सारे शब्दों का एग्जैक्ट मैं वही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अन्यथा इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सब इसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन है, अर्थात र साउंड यहां उच्चारित नहीं होता है। लेकिन मैं अभी उच्चारण आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं केवल यह चाह रहा हूं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही इस्तेमाल इंडिया में हर जगह होता भी है, जो फोनेटिक चीजों को बेस करके हम लोग यहां उच्चारण करते हैं वो होता है, बहुत कम लोग करते हैं। मस हमारा इसको ऑल्दो वर्क है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल यही कहता है और यही चीज मैं आपको अब इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा साउंड कौन सा शब्द इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब बल्कि कि इसे दोनों में एक विकल्प देता है तो हमने कहा कि यहां ध्यान रखिएगा हमारा फर्स्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑल्दो का, यहां हमसे उम्मीद करेगा कि आप ऑल्दो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने कहा कि यही हमारा साहित्यिक प्रयोग है, यही हमारा औपचारिक प्रयोग है, आपसे यह उम्मीद करेगा, अर्थात इन दोनों में से भी हमने दो को एलिमिनेट कर दिया, क्लियर। तो यहां भी ध्यान रखना है, तो ऑल्दो और दो ये हमने समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ और चीजें यहां हम समझ लें थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो नहीं होता है केवल दो होता है, ठीक है। दो के बारे में थोड़ी और जानकारी हम ले लें। वाक्य के प्रारंभ में हमने कहा कि ऑल्दो दो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जहां चॉइस की बात हो तब हम ऑल्दो को चुनेंगे, दो को नहीं चुनेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से वाक्य शुरू हो और तब यद्यपि कह रहा हो, तब ध्यान रखिएगा कि यहां हम लोग प्रयोग करते हैं दो का, यहां प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं और दो का, ये सावधानी बरतनी है। जैसे जो सेंटेंस हमने दिया है उसी को हम रिपीट करें, हमने क्या सेंटेंस दिया था कि ऑल्दो ही वर्क्ड हार्ड ही फेल्ड, ये सेंटेंस हमने आपको दिया था और वाक्य शुरू हो रहा था कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम की वह असफल हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इस वैरायटी वाक्यों का जानिए समझिए, इस जगह पे हमने कहा था कि ऑल्दो के बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं दो भी,
लेकिन स्थिति क्या होगी कि यदि हम चाहते तो इससे विवाद शुरू कर सकते थे। इन्वर्सन में हमने आपको बताया था कि एडवर्ब से भी वाक्य शुरू हो सकता है, लेकिन यहां कंजंक्शन इसको रोक देगा, इसलिए इस हिस्से में इन्वर्सन लागू नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे कि हार्ड, अब ये ऑल्दो दो है ना, ऑल्दो और दो, इनमें से ध्यान रखना है हम केवल इस्तेमाल कर सकते हैं दो को, यहां ऑल्दो को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हार्ड दो ही वर्क, इसमें इन्वर्सन लागू नहीं होता है। हार्ड दो ही वर्क, कठिन यदि उसने परिश्रम की, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोई एडजेक्टिव का एक उदाहरण ले रहे हैं कि रिच दो ही इज, धनी यद्यपि वह है, ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, वह बेईमान है। दूसरा से यहां केवल दो होगा यदि यहां आपको प्रॉब्लम दिया जाए परीक्षाओं में, या खाली स्थान दे दे, क्लोज टेस्ट में दे दे, ऐसा सत्वाइस दे दे, तो हमको यही ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब से वाक्य के शुरू है तो ये हमारा एडजेक्टिव से वाक्य के शुरू है, और एडवर्ब से वाक्य के शुरू होने पर दो होता है, एडजेक्टिव से वाक्य के शुरू होने पर दो होता है, यहां या यहां दोनों जगहों में से कहीं नहीं होगा ऑल दो, एक सावधानी ये बरतनी है। फिर देखिएगा कि एक प्रयोग एज के साथ दो का होता है, फिर यहां ऑल दो नहीं होता है, यह सावधानी बरतनी है, और इस एज दो का अर्थ होता है एज इफ, है ना, मानो, और यह प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर यहां इस्तेमाल हम दो का और दो का नहीं करेंगे, एज दो कहलाएगा। जैसे हम कहें कि ही स्पीक्स, वह बोलता है एज दो, या इस एज दो के बदले हम इस्तेमाल कर सकते थे एज इफ, है ना, और हिंदी क्या होती, मानो ही वह गॉड, मानो वह ईश्वर है, मानो वह भगवान है ना, तो एक अर्थ इसका यह होता है। ठीक है, और फिर एक और प्रयोग समझा दें कि उन के साथ केवल दो होता है, यहां भी ध्यान रखना है और दो नहीं होता है, हिंदी में नहीं, जो दो की है और दो की है वही यहां भी होता है, केवल दिल के दृष्टिकोण से थोड़ा जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है, हिंदी में नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फिर हम कहते कि इवन दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, हिंदी वही नहीं बनेगी, यदि उसने कठिन परिश्रम की वह फेल कर गया, वह असफल हो गया। अब फिर यह ध्यान रखना है कि इहुन के लग जाने से क्या हो गया कि आपका लिमिटेशन दो तक रह गया, यहां फिर और दो को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने अभी समझने की कोशिश की, और इस पर डिस्कशन अगले क्लास में भी जारी रहेगा। निश्चित रूप से यह पूरे सीरीज आप देखें, जितना लेक्चर कुछ पूछे हुए प्रश्नों को भी हम कोशिश करेंगे कि आपको डाउट के बता दें कि कंजंक्शंस में क्या सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, इनसे रिलेटेड, कंजंक्शंस से रिलेटेड, वो हम कोशिश करेंगे बताने की, समझाने की। लेकिन निश्चित रूप से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जित जो भी लेक्चर हम दे सकें, वो कितना लेक्चर हो जाएगा अभी कहना मुश्किल है, तो जितने भी लेक्चर कंजंक्शंस के हैं उनको आप व्यापक रूप से देख लें, किसी भी यूट्यूब चैनल पर हो या ऑनलाइन का कोई भी क्लासेस हो, कहीं कंजंक्शंस का विस्तृत कॉन्सेप्ट, जहां तक मेरी समझ है किसी ने ना दिया है, अनुरूप देने की कोशिश करते हैं। वो मोटा मोटी होता है कि बस 10 लाइन में कंजंक्शन सीख जाओ, 5 लाइन में प्रीपोजिशन सीख जाओ, 5 मिनट में प्रीपोजिशन बना लो, है ना, ये सब भ्रामक चीजें हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। और यदि विधिवत सीखना चाहते हैं तो आप एक एक स्टेप बढ़िए, जैसे मैं लेके चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरे यहां नहीं पहुंच पाते हैं, खास करके दूरदराज बच्चों का ही डिमांड था, इसलिए मैं ये सब काम शुरू किया हुआ था, पढ़ने से किताबें लिखने से मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन दूरदराज से बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें हैं या तो
एक चैनल पर कुछ लोग पढ़ा देते हैं, दूसरे पर कुछ पढ़ा देते हैं, पता ही नहीं लगता है कौन सही है कौन है गलत है, कि थोड़ा सा आप भी आके हम लोग को गाइड कर देते। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि जहां तक संभव हो सकेगा हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ चीजें बताएं समझाएं, लेकिन विधिवत आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जो बार बार मैं कह रहा हूं कि नो ट्रिक्स, जितने भी ट्रिक्स टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक से ये सीख लो, ये ट्रिक से ये सीख लो, समझिएगा सबके सब आपके लिए घातक है, ठीक है, वो भ्रामक है। जब तक ये सब कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कीजिएगा कौन सा ट्रिक काम आएगा, सीधी बात, ठीक है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमने कुछ कुछ चीजें घुमा फिरा के आपको बता दी कि कैसे वेरिएशन थोड़ा करना शुरू कर देता है, सिचुएशन बदलना शुरू हो जाता है। और ये सब यदि पूरा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं है, नहीं डिसाइड कर पाएगा कहां ऑल होगा कहीं दो होगा कहां ये होगा कहां पावर राजा गया क्या सिचुएशन बनेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और यदि लाभकारी लगे तो अपने मित्रों को भी आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की चीजों को आप देखें। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यदि कुछ सीख सकते हैं मेरे माध्यम से तो हमारी कोशिश आप लोगों को सिखाना। हमारा कोशिश YouTube पर बिजनेस करना व्यवसाय करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी सोच है किताबें लिखना, किताबों के माध्यम से मैं घरों में पहुंचना चाह रहा हूं, किताबों के माध्यम से मैं बच्चों को सहयोग करना चाह रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं से बहुत अलग से मैं समय निकाल रहा हूं, चूंकि पूरे इंडिया से बच्चों का डिमांड रहा है कि कुछ करें, तो स्वाभिक है कि अभी तुरंत मैंने लॉन्च किया है। इसलिए बहुत सारे बच्चे को तो मेरी खोज की आवश्यकता ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि अशोक सर ट्यूब पर यूट्यूब पर नहीं है, इसको भी मुझे ढूंढेगा नहीं। अब उसे रख करके बताओ कि नहीं कुछ चीजें मैं लेके आया हूं और ऐसे लोगों को फायदा हो, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू। अगला चैप्टर के लिए अगला लेक्चर के लिए वेट करें आप, ठीक है, अगला लेक्चर फिर हम देखें।